साथ वो दो मुअज्जिज कस्टमर्स भी मौजूद हैं जो CG125 खरीदने के लिए शोरूम पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुराद इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों को वेलकम। तो जी हाँ व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एटलस होंडा ने अपना न्यू होंडा CG125 2024 मॉडल बाइक लॉन्च कर दिया है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको होंडा CG125 2024 मॉडल की ऑफिशियल लॉन्चिंग सेरेमनी वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और इसके अलावा होंडा ने अपने इस CG125 2024 मॉडल में कौन कौन सी चेंजेस की हैं वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। रीजनल मैनेजर सेल सुफियान साहब आपके साथ इस मॉडल की मालूमात शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सब दोस्त ठीक हैं, खैरियत से हैं। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया, और आज हमने आपको बुलाया है मॉडल दिखाने के लिए CG125 का, जो कि हमेशा से हमारे कस्टमर जो हैं उसका पसंदीदा तरीन मॉडल रहा है। और अगर मैं ऐसा कहूं कि ये मॉडल जो है ये होंडा की पहचान भी है। इस मॉडल को CG125 शायद बहुत कम लोग कहते हैं, मोस्टली लोग जब भी बात करते हैं ना कि मैंने होंडा लिया है या होंडा लेना है, तो उनकी मुराद जो है ना यही मॉडल होता है। हालांकि होंडा के और भी मॉडल्स हैं, CB70 है, प्राइडर है, ड्रीम है, 125F है, 150 है, लेकिन इस मॉडल के साथ कुछ हमारे कस्टमर की एसोसिएशन और मोहब्बत कोई इस तरह की है कि वो होंडा की जब बात आती है तो वो इसी मॉडल की बात कर रहा होता है। इस साल 60 साल जो है वो तकरीबन एटलस होंडा को कंप्लीट हो गए हैं इस मुल्क के अंदर मोटरसाइकिल चलाते हुए अपने कस्टमर के लिए, और ये जो मॉडल है तकरीबन 40 साल आज इस मॉडल को भी मुकम्मल हो गए हैं। 40 साल से ये पाकिस्तान के जो कस्टमर हैं उनका पसंदीदा तरीन मॉडल ये रहा है। तो ये 40 साल सफ़र जो इस मॉडल ने तय किया है उसमें मुख्तलिफ औकात पे, मुख्तलिफ टाइम पे, कभी इसको हमने पावर मशीन के नाम से कहा, कभी हमने पावर प्लस के नाम से कहा, कभी हमने कहा ये साउंड है पावर की, और इस दफ़ा जो मॉडल आया है इसके अंदर हमने भी कुछ बेहतरियाँ की हैं। 70 टोटल में तब इसके अंदर बेहतरियाँ की हैं, जिसमें कुछ इसके इंजन में है, कुछ इसकी फ्रेम बॉडी के अंदर है, जिसके साथ इस मॉडल का जो परफॉर्मेंस है इसकी वो मज़ीद बेहतर हुई है। जो एक हमारे कस्टमर का टच पॉइंट होता है इसके हवाले से वो होता है पावर, तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं उससे इसकी पावर जो है वो बेहतर हुई है, पहले से भी मज़ीद बेहतर हुई है। इसमें कुछ टेक्निकल भी अगर हम बात करें तो हेड के अंदर भी चेंजेस हैं, सिलेंडर में चेंजेस हैं, पिस्टन में चेंजेस हैं, कुछ इसका सिस्टम इस तरह से चेंज किया गया है जिससे लॉसेस थे पावर के वो कम हुए हैं और पावर के अंदर इजाफा हुआ है। तो हमारा कस्टमर क्योंकि वक्तन फवक्तन हमें फीडबैक देता रहता है, और हमने कोशिश की है कि इन 40 सालों के अंदर इस मॉडल को अपने कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक जिस तरह से वो चाहता है उस तरह से इसको चेंज करने की, तब्दील करने की, उसको वो चीज़ देने की कोशिश की है जिसमें जिसका वो शौक रखता है। जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है हमारे कस्टमर की तरफ से कि जब भी जापानीज़ भी यहाँ पर आए, उन्होंने कभी कस्टमर से बात की, हमने सर्वे किया, तो कस्टमर ने हमेशा कहा कि नहीं जी, हमें जो इसकी सबसे ज़्यादा पसंद है ना वो इसकी आवाज़ है। इतनी भी तब्दीलियाँ की हैं उससे इसकी साउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही साउंड है, वही मॉडल है जो आपको पसंद है। इतने अरसे से सीट के अंदर थोड़ी सी तब्दीली की है, कुछ लोग कहते थे कि इसके ऊपर हम स्लिप होते हैं बैठ के, तो उसके ऊपर हमने थोड़ा सा एंटी स्लिप इसको बनाया है, ऊपर खूबसूरत भी किया है, लोगो दिया है, कुछ फ्रंट से हमने लुक में कुछ लोगों जो है वो इंटरनेशनली जिस तरह से आजकल चल रहे हैं पसंद किए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ हैं जो इसको खूबसूरत भी बनाती हैं और पावरफुल भी बनाती हैं। आज हमारे साथ वो दो मुअज्जिज कस्टमर्स भी मौजूद हैं जो CG125 खरीदने के लिए शोरूम पे आए हैं। उनके अंदर पहला नाम मोहम्मद रिजवान साहब का है, मैं स्टेज पर दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी चाबी रिसीव करें।
दूसरे कस्टमर सैयद मोहम्मद हसन केलानी। तो व्यूअर्स, इसके अलावा होंडा ने इस न्यू मॉडल 125 के पिछले शॉक्स के स्प्रिंग्स को मैट फिनिश में कर दिया है, जैसा कि व्यूअर्स आप इस वक्त मुलाजा फरमा सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा फ्रंट व्हील के हब की निकल को भी मैट फिनिश में कर दिया गया है, ताकि हब को जंग वगैरह ना लगे। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं आपको हब की दूसरी साइड दिखा रहा हूँ, इसको भी मैट फिनिश में कर दिया गया है, ताकि इसको जंग ना लगे और इसकी शाइनिंग ख़राब ना हो। तो व्यूअर्स, इसके अलावा अगर मैं इस होंडा सीजी 125 2024 मॉडल की प्राइस के बारे में अगर आपको बताऊं, तो इस बाइक की प्राइस 2,34,900 रुपये है, यानी कि इसकी प्राइस में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया गया। तो व्यूअर्स, मेरी आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।